हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माह हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर टॉरस। द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, द सन, द चैरियट। चीजें आपने जिस तेजी से सोचा था होंगी टॉरस, उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रही हैं। द चैरियट के साथ आपका गोल आप तक पहले पहुंच रहा है, इससे पहले कि आप उस तक पहुंचे। आई मीन, यहां पर ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कि आप जिसके भी साथ में रिलेशनशिप हो उसके साथ आपका एक प्लान हो कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे कमिट करेंगे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप शादी करेंगे या कोई और चीज, कोई भी प्लान जो आपने बना रखा है एक टाइम के हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि ये टाइम आपको मिलने वाला है, क्योंकि द चैरियट के साथ बहुत स्पीड में चीजें हो रही हैं और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये चीजें हो भी सकती हैं। पर जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि कार्ड है द सन का। जब ये चेंजेस आएंगे, हो सकता है टॉरस कि आप अनकंफर्टेबल हो, आप अर्थ साइन है, आप फिक्स्ड रहते हैं एंड इतनी तेजी से मूव करने की आपको आदत नहीं है, मगर इस पॉइंट पर आप कुछ कर नहीं सकते। जिस तेजी से लाइफ आपको ले जा रही है उसी तेजी से आपको चलना होगा। एंड शायद इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप मूव नहीं करना चाहते, आप एक जगह फिक्स्ड हैं एंड यूनिवर्स चाहता है कि आप मूव करें। हो सकता है आपकी बहुत लंबे समय से एक ही पॉइंट पर अटके हुए हैं अपने रिलेशनशिप में, या फिर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे एंड शायद यूनिवर्स चाहता है कि अब आप अपने डिसीजंस ले। यह किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है। सो किंग ऑफ कप्स जो भी है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये मैच्योर है एंड ये आपको मैरिज परस्पेक्टिव से देखता है। आई मीन, ये पर्सन आपके साथ हमेशा का एक बॉन्ड चाहता है, हमेशा का रिश्ता चाहता है एंड किंग ऑफ कप्स के हिसाब से आप उनके लिए बिल्कुल सुटेबल हैं, आप उनका परफेक्ट मैच हैं एंड आपसे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता इस पॉइंट पर। एंड मुझे नहीं लगता कि वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए अब और वेट कर सकते हैं। इस पर्सन ने कुछ डिसाइड कर लिया है एंड हो सकता है कि वो एकदम से आपसे कमिटमेंट मांगे या एकदम से आपको प्रपोज कर दें या कोई ऐसी बात करें जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं चाहते थे, आप ये चाहते थे लेकिन इतनी जल्दी ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड द हैंग्ड मैन के साथ आप समझदार हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। मुझे नहीं लगता कि आप इस समय इमोशंस में बह रहे हैं या इमोशनल होके कोई फैसला ले रहे हैं। द हैंग्ड मैन के साथ आप दोनों जानते हैं कि आपको क्या करना है एंड कहीं ना कहीं आप मैच्योर अप्रोच अपना रहे हैं एक दूसरे की तरफ। आप एक दूसरे की बातें सुनने को तैयार हैं, यहां डिस्कशन हो सकते हैं, यहां कोई सीरियस टॉपिक उठ सकता है जिसपे आप लोग एक डिसीजन लेना चाहते हैं और ये वीक आपके लिए एक एनालिसिस का टाइम हो सकता है, जहां आप सब एनालाइज करें और सीरियस होकर फ्यूचर के बारे में सोचें। हालांकि एक जनरल रीडिंग है टॉरस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह।
द फूल टू ऑफ पेंटिकल्स Eight of Pentacles, and Seven of Cups. I think टॉरस जो हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि द फूल का कार्ड आपसे यही कह रहा है कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो किसी रीजन से हो रहा है, और चाहे चीजें जितनी भी अजीब लगे या अलग लगे या आपको ऐसा लगे कि बहुत तेजी से हो रही है, आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब किसी ना किसी रीजन की वजह से हो रहा है और सब कुछ आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि द सन का कार्ड इधर है। द फूल के कार्ड के साथ कहा जा रहा है कि आपको कोई भी काम करने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए, आप उस काम को करिए। एंड किसी भी चीज के बारे में दिमाग में डाउट मत रखिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपको एक नए डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और यहां से एक नई शुरुआत होगी। एंड वो शुरुआत अच्छी होगी, क्योंकि अभी यूनिवर्स आपसे यही चाहता है कि आप उनके हिसाब से चलें। क्योंकि द हैंग्ड मैन के साथ टॉरस, आप कोई भी स्टेप लेने से पहले ज्यादा सोच सकते हैं, मगर अभी जो बुद्धिमानी है वो इसी में है कि आप जो हो रहा है उसे होने दें। एंड ऑफ कोर्स आप वैसे भी बहुत ज्यादा सोचते हैं किसी भी चीज को करने से पहले, जो कि अच्छी बात है, पर यहां पर आपको थोड़ा सा केयर फ्री होने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको इग्नोर करने की जरूरत है। इग्नोर इन द सेंस कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं भी हो रहा है, तो फिलहाल के लिए आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहां से आप कहीं और जा रहे हैं, वो आपका गोल है, ये आपका गोल नहीं है। ये जो छोटी प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में आ रही हैं, यहां टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कंफ्यूज फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इस पर्सन ने अपना डिसीजन ले लिया है, आपके पार्टनर ने अपना डिसीजन ले लिया है, पर क्या आपने अपना डिसीजन ले लिया है? क्या इतना टाइम काफी था? क्या ये पर्सन कुछ और तो नहीं हो जाएगा, कुछ और अपना रूप सामने लेके तो नहीं आएगा, या ये बदल तो नहीं जाएगा? क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये पर्सन जो आपको दिख रहा है वैसा है या नहीं। आपको लग रहा है कि इस पर्सन को इतनी जल्दी क्यों है, हर चीज में आपको डाउट हो सकता है। यहाँ एज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके ऊपर वर्कलोड बहुत हो सकता है। पहले वीक में हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ही ना हो कि आप किंग ऑफ कप्स को दे सके। काम बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, एंड सबसे बड़ी बात आप फोकस्ड हैं। मेरे ख्याल से शायद आप इस रिलेशनशिप को अभी सेकेंड प्रायोरिटी रख रहे हैं, आपके पास और चीजें हैं करने के लिए। आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड हैं, आप अपने पैसों पे फोकस्ड हैं एंड करियर पे फोकस्ड हैं, तो शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है, क्योंकि आपके पास देने के लिए वक्त नहीं है इस वक्त, एटलीस्ट उतना तो नहीं है जितना दूसरे पर्सन को चाहिए। एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ जब आपके पास वक्त नहीं है, तो आप श्योर भी नहीं है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो सच है या नहीं। आपको टाइम चाहिए ये एनालाइज करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि ये जो आप देख रहे हैं वो सच है या नहीं, या सिर्फ आपका वहम है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज टॉरस। लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आपको कहा जा रहा है टॉरस की ऊपर उठिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप किसी स्टेप को लेने से कुछ बच रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं। ऑनर योर इनर फोर्स, ये समझिए कि आपके अंदर ये स्टेप लेने की ताकत है, आपके अंदर बोल्ड डिसीजंस या मूव्स लेने की ताकत है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको रास्ता दिखा रहा है यूनिवर्स खुद ब खुद, आपको बस चलना है,
डांस विद द यूनिवर्स, आपको प्लान करने की भी जरूरत नहीं है, आपके सामने जो चैलेंजेस आते जा रहे हैं उन्हें फेस करते जाइए और देखिए ये आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो ये थी रीडिंग फर्स्ट वीक की, मार्च की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।